जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार करने के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बयान से अब उनके अपनों ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर जवाब देने से बचने की रणनीति अपना ली है। दिग्विजय सिंह के बयान पर उनके भाई और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना संभव नहीं है। वहीं लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना शर्मा सिंह ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। भाजपा ने दिग्विजय सिंह के इस बयान को राष्ट्र विरोधी की श्रेणी में रखकर हमला बोला है। उधर कांग्रेसी इस बयान पर कन्नी काटते नजर आए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर उनके भाई और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना संभव नहीं है, जिसके बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बयान को लेकर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना शर्मा सिंह ने भी असहमति जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कश्मीरी पंडितों और तथा कथित आरक्षण के बारे में बोले गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह सब सीमा पार के एक पत्रकार से कहा गया, मानो हमने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया हो। गौरतलब है कि रूबीना सिंह कश्मीरी पंडित हैं, वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राजपूत समाज भी खफा है। राजपूत महापंचायत ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दी है कि पहले धर्म पर चलिए, उसके बाद राजनीति करिए। राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजपूतों का पहला कर्तव्य राष्ट्रवाद है। ये विडंबना है कि दिग्विजय सिंह राजपूत समाज में ट्रस्टी हैं। वैसे तो जनता ने उनका लोकसभा चुनाव में बहिष्कार किया था। देखिए, औपचारिक क्या है, औपचारिक तो परिवार है, पारिवारिक चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जहां तक सैद्धांतिक बात है, उनका बहिष्कार हो चुका है, जनता ने अपना वो दे दिया उनको। देखिए, सामाजिक राजनीतिक विषय अपन बहुत लंबा ना ले जाएं, लेकिन ये बात भी स्पष्ट थी कि पिछली बार इसी समाज के दो लोग आमने सामने लड़े थे, और किसके साथ समाज था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।